तो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 9:30, 9:30 बज रहे हैं और अभी जस्ट मेरे दिन की शुरुआत हुई है। आज एक्चुअली मैंने 7 बजे का अलार्म लगाया था। प्रथम इसने बोला था 7 बजे जाएंगे जिम में वर्कआउट करेंगे, बट मैं सुबह 7 o'clock को जब अलार्म बंद किया, मेरी बॉडी इतनी पेन हो रही थी, मेरा हाथ पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा था। सो मैंने बोला ठीक है हाफ एन आवर और सो लेता हूँ, 7:30 को जाऊँगा। और वो 7:30 का हाफ एन आवर मेरे लिए 1.5-2 घंटा हो गया। मैं अभी जस्ट 9:30 उठ रहा हूँ और आज का जिम नहीं गया। और ठीक है कोई बात नहीं, बिकॉज जिम मिस करना एक बार चल जाएगा, लेकिन बॉडी पेन हो रही है उसी बॉडी पेन में जाके वर्कआउट करना इज़ नॉट गुड। बिकॉज वो अब पूरे मन से पूरे एफर्ट से भी वर्कआउट करेंगे नहीं पहली बात, और दूसरा बुखार या दूसरे कुछ इंजरीज़ के चांसेस आ जाते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपके बॉडी में मसल में पेन है। सो इसलिए मैं गया नहीं, अभी ब्रश करके जस्ट मैं फ्रेश हुआ हूँ और यहाँ पे आ चुका हम लोग का ये बनाना ओट्स। एक्चुअली नॉर्मली मैं मसाला ओट्स खाता हूँ, लेकिन आज बनाना ओट्स खा रहा हूँ। इसमें नॉर्मली जैसे ओट्स मैं कुक करता हूँ वही पैटर्न है, वही सेम स्टाइल है, बस उसमें मसाले और जो नमक वगैरह डालते हैं उसके जगह पे शुगर और हल्का सा शुगर और बनाना ऐड किया है। सो चलता हूँ अभी ये ओट अपना ओट्स मील फिनिश करता हूँ, उसके बाद अपना नहा के कल वाली व्लॉग एडिट करनी है, 9:30 बज गया, व्लॉग एडिट करके अपलोड करता हूँ फटाफट उसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोग से। सर गाइस नहा धो के हो चुका हूँ मैं रेडी और अभी जा रहा हूँ अपना प्रोटीन शेक पीने। चेक करो आ चुका है हम लोग का यहाँ पे प्रोटीन शेक। सो चलता हूँ अपना ये प्रोटीन शेक फिनिश करता हूँ। उसके बाद आज सोच रहा हूँ अभी 1 घंटा है मुझे निकलने के लिए, ये फिनिश करता हूँ फटाक से, उसके बाद चल के मौसमी जूस पियेंगे 1 ग्लास। बहुत दिन लाइक 2-3 दिन का गैप हो गया, मैं पिया नहीं, टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो ये फिनिश करता हूँ, फिर नीचे चल के मौसमी जूस पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे ऑफिस के लिए। और आज है मंडे, मुझे मंडे ट्यूसडे वेनसडे और स्लाइटली थर्सडे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ये 4 दिन काम नहीं रहता, टेंशन नहीं रहती, आराम से स्टोर में बैठे रहो। स्टोर में बैठ के मैं रील एडिट करता हूँ, जो अपने वीडियो मैंने अपलोड किए रहते हैं उसके थंबनेल टाइटल चेंज करता हूँ। मेरे पास टाइम रहता है मंडे ट्यूसडे वेनसडे को, बाकी फ्राइडे सैटरडे संडे तो पूरा पैक और बिजी दिन जाता है। उस दिन मैं अभी मैं रील का फिक्स टाइम शेड्यूल किया हूँ रात को अपलोड करने का। नॉर्मली मैं 7 बजे शेड्यूल करके अपलोड कर देता था, लेकिन अब एडिट करके रखा रहता हूँ कि 9 बजे एग्जैक्ट अपलोड करूँगा, 9:05-9:06 तक। लेकिन उसी टाइम पे एग्जैक्ट ऐसा काम आ जाता है कि मेरे ध्यान से ही निकल जाता है। शाम तक याद रहता है 6-7 बजे तक कि भाई 9 बजे वीडियो अपलोड करना है, और 9 बजते ही भूल जाता हूँ। फिर मैं आजकल पिछले 2-3 दिन से 10 बजे रील अपलोड कर रहा हूँ। सो अभी चल रहा है वही खिंचातानी, कभी आगे कभी पीछे, कभी टाइम पे अपलोड हो जाता है, बट डेली अपलोड करना ज़रूरी है, भले ही लेट अपलोड करूँ जल्दी अपलोड करूँ, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। सो बस वही सब है, चलता हूँ अभी ये मील फिनिश करके फिर मैं निकलूँगा और नीचे चल के मिलता हूँ आप लोग से सीधा जूस शॉप पे। तो गाइस बहुत दिनों बाद मैं और आसिफ भाई वापस एक बार फिर ऊपर आ चुके हैं टेरेस पे जामुन खाने। चेक करो 2 जामुन ऑलरेडी टूट के उद्घाटन हो चुका है, और देखो कितने सारे भाई वो संभालना रेड वाले, जो पके सिर्फ वही तोड़ो। और आज खाएंगे जामुन बोले तो खाना खाने के बाद दबा के, ये चेक करो हमारे सब्र का फल मिल रहा है हमें, क्या बोल रहे भाई? अभी तो और फल बचे हैं, ये फल तो थोड़े सब्र और मेहनत का था, फूटा नहीं है, थोड़ा खराब है, चलेगा, अभी आएगा ना मजा। गाइस जामुन खाएंगे डेली 2-4 मस्त धुल कर साफ करके खाना खाने के बाद फ्रूट्स के नाम पे, भाई एक भी छूटना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक भी चुन चुन के तोड़ो, चुन चुन के। हाँ
दो घुमाते रहो जहाँ जहाँ दिखेगा बताओ। चपटा हो गया, इसको इधर रख देता हूँ। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी। अरे कितना बड़ा है वो। ए वो देखो उधर तुम्हारे लेफ्ट में पूरा ये है, झुंड है। ग्रुप है? हाँ पूरा पूरा ग्रुप है। दो आराम से दो। पूरे ग्रुप को तोड़ दिया। अरे यार बेचारे बच्चे लोग को गिराओ मत नीचे। ब्रदर किधर किधर है बताते जाओ ना। एक इधर का तोड़ लिया सब। अब इधर नहीं है, अब सीढ़ी थोड़ा उधर लो। मैं आज तुमको बोलने ही वाला था कि चलो ऊपर चेक करते हैं। हाँ देखो सामने ही है, जामुन चेक करते हैं। आज आया है क्या तो खाते हैं। भाई मैंने आज लाइट टी शर्ट पहना है, आज अगर ये कलर लगा मेरे टी शर्ट पे तो फिर गया। तो चलता है गाइस, ये सब तोड़ता हूँ आराम से और नीचे चल के फिर लंच करते हैं और मिलता हूँ आप लोग से सीधा लंच के टेबल पे। सो गाइस ये आ चुका है हम लोग का आज का आफ्टरनून का लंच। यहाँ पे है सैलेड, सॉस और पनीर के पराठे। चलता हूँ फटाफट अपना लंच फिनिश करता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोग से। इस जामुन वॉश करके अब खाने की बारी है। बज रहे हैं 5 शाम के और हम जा रहे हैं जामुन खाने। टेस्टी टेस्टी, थोड़ा सा नमक में डिप करो। सर गाइस रात के बज रहे हैं 11:10 और अभी जस्ट हम लोग वापस स्टोर क्लोज कर रहे हैं। यह है पाम बीच रोड का व्यू, यहाँ पे नज़ारा। और थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ व्लॉग में। यह है हमारा आउटलेट, यहाँ पे लॉक हो रहा है शटर मेन, निकलता हूँ यहाँ से। सर गाइस मैं पहुँच चुका हूँ, बहुत टेंशन और भागा दौड़ी करने के बाद स्टेशन खांदेश्वर स्टेशन आ चुका हूँ अपनी बाइक पार्किंग में। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 11:45, 12:15 बज रहे हैं। सो एक्चुअली सीन हुआ था यूँ कि हम लोग स्टोर लॉक करके, हम लोग 3-4 लोग थे, तो मैं सिस्टम क्लोजिंग कर रहा था, कैश वगैरह टैली कर रहा था, सब अपडेट कर रहा था और मैं आ गया था लॉक करके। सब कुछ हम लोग लॉक करके आ गए थे, बस में बैठ गए थे वाशी स्टेशन जाने के लिए। और तभी जो वॉचमैन होता है सिक्योरिटी गार्ड, उसने हम लोग को कॉल लगाया। एक्चुअली एक दूसरे बंदे को काम दिया था लॉक लगाने का शटर वगैरह पे। सो उस बंदे ने क्या किया, ऊपर से सब कुछ लॉक किया मगर नीचे आके बैक शटर जो होता है वो लॉक नहीं किया, जिस वजह से जो वॉचमैन रहता है सिक्योरिटी गार्ड, अच्छा हुआ लकीली हम लोग का लक इतना अच्छा था कि उस सिक्योरिटी गार्ड जब भी हम लॉक करके जाते हैं वो एक राउंड अप पे जाता है, एक सब चेक करता है हर जगह का, पीछे का आगे का सब लॉक है कि नहीं प्रॉपरली। तो वो गया और उसने देखा पीछे का लॉक नहीं था। सो उसने हम लोग को कॉल किया, हम लोग आधे रास्ते पहुंच गए थे, आधे क्या ऑलमोस्ट मैं पहुंचने वाला था स्टेशन, मैं और मेरे साथ दूसरा और एक सुपरवाइज़र था। तो उसने बोला भाई पीछे का ऐसा ऐसा लॉक नहीं है। तो हम लोग को आया शिट मैन शिट। तो हम लोग फिर वहाँ से उतरे, 10 मिनट रुके थे रिक्शा के लिए, रिक्शा मिला नहीं। फिर हम लोग ने बस ली, लकीली बस मिल गई टाइम पे, बस लिए स्टोर पे आए, शटर ऊपर किया, अंदर से लॉक निकाला, फिर वो लॉक निकाल के पीछे का लॉक किया और फिर हम लोग वापस चाबी प्रॉपरली सब कुछ लॉक करके हम लोग आए हैं स्टेशन पे। इसलिए आज थोड़ा लेट हो गया, इतना प्रॉब्लम हुआ आज। तो क्या बोलूँ आप लोग को, ऐसा कभी होता नहीं है, कभी नहीं होता है। एक्चुअली मैं और मेरा दूसरा सुपरवाइज़र बिजी थे कैश क्लोजिंग वगैरह में, टैली वगैरह में, और दूसरे बंदे को काम दिया था कि जा ठीक है तू ऊपर का नीचे का पूरा लॉक कर दे, बाहर से पीछे का लॉक कर दे। सो उस बंदे ने घाई घाई में लॉक किया नहीं, वो मेन ऊपर का लॉक करके चाबी दे के चला गया, बाहर का किया नहीं, बच गए बार बार नहीं तो कुछ अगर कांड हो जाता ना चोरी वगैरह तो हम फंस जाते थे। अभी फ़िलहाल चलता हूँ, ज़्यादा लेट हो जाएगा, 11:15 बज रहे हैं, आदित्य वेट कर रहा है नीचे बिल्डिंग के। इधर देख यार, है क्या मेरा मुंडी को जल रहा है क्या तू? इतना स्ट्रेट क्यों है रे आर्यन पे आज? तो कैसा रहूं? इधर देख, मुंडी घुमा।
अभी कितना 360। सो गाइस यहां पे पंचायत बैटरी, अभी थोड़ी देर में मिलता हूं ये पंचायत खत्म करके आप लोग से। सो यार गाइस घर पे आ चुका हूं और अभी फिलहाल 12:30 हो रहा है, रात के 12:30 बज रहे हैं और आ चुका है हम लोग का डिनर यहाँ पे। आज बहुत दिनों बाद है भिंडी की सब्जी, रोटी और श्रीखंड। सो चलता हूँ अपना ये जो मील है फिनिश करता हूँ। बाकी यार गाइस नीचे ऐसे ही थोड़ी बातचीत चल रही थी कल के बारे में, कल के प्लान के डिस्कशन बारे में। और मेरा कल और परसों 2 दिन का लीव है, लीव यानी वीक ऑफ है, एक कॉम्प ऑफ है, एक वीक ऑफ है। सो कल और परसों आराम से छुट्टी है, तो मैं कल कन्फ्यूज था एक्चुअली, मेरे दोस्त को भी जाना है मसाज करवाने, तो हम लोग दोनों कन्फ्यूज थे। मैंने मसाज वाले को अपॉइंटमेंट के लिए कॉल भी किया लेकिन 12 बज रहा था इसलिए नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। सो अब मैं कन्फ्यूज हूँ, लाइक सुबह उठ के 6-7 बजे जिम जाके फिर उसी टाइम उसे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर लूँ कल सुबह 10 बजे का, या परसों जाए हम लोग मसाज के लिए। सो थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, देखता हूँ कल सुबह, अभी डिसाइड करता हूँ। अगर कल जिम जाना रहेगा तो सुबह उठ के उसको कॉल करके जिम भी चला जाऊँगा और वर्कआउट ख़त्म करने के बाद हम लोग जाएंगे मसाज करवाने। सो देखता हूँ जो भी रहेगा प्लान डिस्कस करके मैं अपडेट करूँगा आप लोग को। अभी फ़िलहाल चलता हूँ ये डिनर फिनिश करता हूँ और कुछ खास है नहीं आप लोग को बताने लायक, अपडेट करने लायक। बाकी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे स्टोर पे, लेकिन होपफुली लकीली सॉर्ट आउट हो गया है। हालांकि वैसा कुछ बड़ी प्रॉब्लम एक तरह से कहें तो नहीं भी थी, क्योंकि इसमें गलती हम लोग की नहीं थी, मेरी और मेरे साथ जो दूसरा पार्टनर था, तीसरे बंदे की गलती थी। लेकिन फिर वो ऐसा होता कि ब्लेम आता तो सब पे आता, यहाँ तक कि वॉचमैन जो था सिक्योरिटी गार्ड उस पर भी आता। सो ये चीज़ नेक्स्ट टाइम ध्यान रख के थोड़ा काम करना पड़ेगा, बिकॉज ये सब काम में लापरवाही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो आपको निभानी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। सो एज अ सुपरवाइज़र हमारा भी एक रोल था कि हर एक चीज़ चेक करके कन्फर्म करके फिर हम लोग स्टोर क्लोज करें। बट कोई बात नहीं, अब आज ये सीख मिली है, अगली बार से नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ नहीं होगी। और ये चीज़ अच्छी थी कि हम लोग घर तक या कहीं स्टेशन पे ट्रेन पे नहीं थे, नहीं तो उससे ज़्यादा लफड़ा होता था। सो ठीक है, जो भी था प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अभी सब कुछ काम ख़त्म हो गया है। और आज कुछ खास बाकी दिन भर में स्टोर में हुआ नहीं इसलिए मैंने आप लोग को कुछ अपडेट दिया नहीं, दिखाया नहीं अभी। सो चलूँगा मैं भी, करूँगा इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलूँगा आप लोग से कल के ब्लॉग में। कल का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, कल हम लोग जाने वाले हैं ढाबे पे खाने पीने एंजॉय करने दोस्त लोग। सो कल देखेंगे कल क्या एंजॉयमेंट करते हैं क्या नहीं। अभी फिलहाल करता हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।